और 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण, 118 को पद्मश्री से नवाजा गया। जिन 118 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनमें राजस्थान के 5 लोगों का नाम भी शामिल है। मरुधरा के 5 रत्नों का सम्मान, जिन्होंने बढ़ाया राजस्थान का मान, ऐसी विभूतियों को पद्मश्री सम्मान। राजस्थान की 5 हस्तियों जिन्होंने देश दुनिया में प्रदेश का मान बढ़ाया है उन्हें भारत सरकार पद्मश्री अवार्ड से नवाजने जा रही है। जिन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिलेगा उनमें अलवर की उषा चौमार, सीकर के सुंदरम वर्मा, नागौर के हिम्मताराम भांबू, बगरू के मुन्ना मास्टर और जैसलमेर के अनवर खान का नाम शामिल है। अलवर की उषा चौमार को मेला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव लाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और आज जो मुझे अवार्ड मिलने की घोषणा की गई मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। पद्मश्री अवार्ड पाने वालों में एक है नागौर जिले के हिम्मताराम भांबू, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। हिम्मताराम भांबू का विजन उनकी इस कविता में झलकता है। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, बेड़ा नेमत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। 45 सालों से पर्यावरण संरक्षण और जीवन रक्षा की अलग जगा रहे भांबू ने 5.5 लाख से ज्यादा पौधे पूरे राजस्थान में लगवाए। पद्म पुरस्कार जो घोषणा हुई है ये मेरे काम को देखते हुए हुई है और मैंने काम किया है और ये काम जो मूक प्राणियों की सेवा और पेड़ पौधे इसके लिए ये जो मेरे को सफलता मिली है और इस सफलता का मैं बिल्कुल मतलब आभारी हूँ। जैसलमेर के लोक कलाकार अनवर खान को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने पर जिले में खुशी का माहौल है। अनवर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जैसलमेर जिले के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज जो दूसरा पद्मश्री जो मिला है अनवर खान लोक कलाकार, जिनकी जो धुन जो है पूरे देश के अंदर गूंजती है। थार के लोकगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अनवर खान का अहम योगदान रहा है। 55 देशों में अपनी गायकी का परचम लहरा चुके अनवर खान ने संगीतकार एआर रहमान की फिल्मों में गाना गाया है। अनवर बेहतरीन सूफी गायक भी हैं। जगजीत सिंह के एल्बम पधारो म्हारे देश में मुख्य गीत का मुखड़ा भी अनवर खान ने ही गाया है। कई भाषाओं में गाने वाले अनवर खान लोकगीत संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। मन से काम करें और मन से कुछ हमारे को ये चीज को दुकान से नहीं लानी पड़ती है, ये हमारे बुजुर्गों की चीज है। उन्होंने और दुनिया में दो चीज है, हम जहाँ जजमानी प्रथा में जाते हैं और उनका विरुद्ध बखान जो गाते हैं और गाने के बाद वो कहते हैं वाह वाह आओ और वाह वाह, दुनिया में दो चीज वो हमारे को मिलती है। मरुधरा के इन 5 रत्नों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जिससे इन कलाकारों का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का मान बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात करते हैं बगरू कस्बे के रमजान, जिन्हें ज्यादातर लोग मुन्ना मास्टर के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने का ऐलान किया। इसकी सूचना मिलते ही बगरू कस्बे में खुशी का माहौल बन गया। पद्मश्री घोषणा के बाद मुन्ना मास्टर ने कहा कि इस पुरस्कार का मिलना उनके लिए गौरव की बात है। वो इस सम्मान के लिए इसे गौ माता का आशीर्वाद मानते हैं, इसके लिए ईश्वर का आभार भी प्रकट करते हैं। मुन्ना मास्टर ने संस्कृत से शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है, तो मुन्ना मास्टर बगरू समेत आसपास के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के भजन गायक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और कुछ लोग उन्हें बगरू के बैजू बावरा की उपाधि भी देते हैं। इतना ही नहीं, मुन्ना मास्टर सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उनके बेटे डॉक्टर फिरोज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर, संस्कृत के आचार्य के पद पर नियुक्ति मिली।